दोस्तों जीके क्यूज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे टॉप 10 जीके क्वेश्चन, जिनके सभी के आपको आंसर कमेंट के माध्यम से देना है विद इन 5 सेकंड में। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन है सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है YV चौहान, डी ऑप्शन है ममता बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है YV चौहान है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है अहमदाबाद को, बी ऑप्शन है सूरत को, सी ऑप्शन है जयपुर को, डी ऑप्शन है नागपुर को। तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है कोशी नदी को, बी ऑप्शन है माही नदी को, सी ऑप्शन है रावी नदी को, डी ऑप्शन है यमुना नदी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है गुजरात से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है बिहार से, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार से संबंधित है फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ए ऑप्शन है ताले बनाने के लिए, बी ऑप्शन है चूड़ी बनाने के लिए, सी ऑप्शन है आभूषण बनाने के लिए, डी ऑप्शन है कपड़े बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए फेमस है अलीगढ़ शहर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है नागालैंड में, सी ऑप्शन है मणिपुर में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। 8 ग्रह स्थित है हमारे सौर परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ए ऑप्शन है अरबों द्वारा, बी ऑप्शन है हंगेरियन योद्धा द्वारा, सी ऑप्शन है हूनों द्वारा, डी ऑप्शन है तुर्कों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है हूनों के द्वारा आक्रमण के बाद में रोम के साथ व्यापार समाप्त हो गया भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय की डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है कच्छ में, बी ऑप्शन है अहमदाबाद में, सी ऑप्शन है वाराणसी में, डी ऑप्शन है रुड़की में। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी के अंदर स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, जो कि एक डीजल इंजन निर्माण इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते हैं? तो ए ऑप्शन है सिख धर्म के लोग, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म के लोग, सी ऑप्शन है मुस्लिम लोग, डी ऑप्शन है ईसाई धर्म के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोग मानते हैं बैसाखी त्यौहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? तो ए ऑप्शन है अकबर की,
बी ऑप्शन है फरदोसी की, सी ऑप्शन है नवाब पटौदी की, डी ऑप्शन है गजल खान की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदोसी की कृति है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी है, तो ए ऑप्शन है ईटानगर, बी ऑप्शन है कोहिमा, सी ऑप्शन है इम्फाल, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्फाल जो राजधानी है वो है मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया, तो ए ऑप्शन है 1964 में, बी ऑप्शन है 1965 में, सी ऑप्शन है 1966 में, डी ऑप्शन है 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में आजाद करवाया गया था गोवा को पुर्तगालियों से। अगर दोस्तों आज का ये जीके क्विज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके। दोस्तों।